सत्सिका आदाब नमस्कार। आज हम अपने खेत में हैं। आप देख सकते हैं बारिश के कारण हमारे जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से भीग चुकी है। मैंने ओवरव्यू आपको दिखा दिया है एक शूट में, आगे शॉर्ट शूट में। आज मैं अपने खेतों में घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि क्या कर रूं, और धूप में खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी हैं। गीली होने के कारण अभी हमें इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलकर आप देख सकते हो तो कैसे अब इसको अच्छी तरह से धूप लगाएंगे। धूप निकल चुकी है और देखते हैं, अब थोड़ी सी इसमें त्रेल है जिसके कारण थोड़ा सा और नमी है इसमें। और देखा, आप देख सकते हैं कि हम कैसे इसको अब खोलेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारा नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा। हमारा जो दूसरी तरफ खेत है वहाँ पर भी ऐसा हुआ है। सभी टोटली जितनी भी बारिश के कारण ना हमारी फसल अच्छी वैसे थी तो खराब हो चुकी है। अब देखते हैं इसका हम क्या करें। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम। अब 2 दिन तो लगेंगे इसको सुखाने के लिए। 2 दिन सुखाने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे, फिर हम आपको उसके बारे में भी हम उसको। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि गेहूं की फसल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। सिर्फ हमारे साथ ही नहीं ऐसा हुआ, कुछ खेतों में गेहूं की फसल अच्छी हुई, कई जगहों पर बहुत बुरा हाल हो गया। इसका मेन रीज़न बेमौसमी बारिश है, इसलिए बहुत नुकसान हो गया। जैसे कि हमने आपको सभी को बता दिया है कि क्या हाल हुआ है। आप देख सकते हो कि गेहूं की फसल का क्या हाल हो रहा है। देख सकते हैं, मैं वैसे आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ, घुमा फिरा कर दिखाता हूँ कि कैसे हमारा खेत में क्या क्या हुआ है। ये देखिए, सभी तरफ है ऐसा ही हाल है हमारा। वो दूसरी तरफ हमारा जो खेत है वहां पर भी इसका ऐसा ही हाल है। क्योंकि ये देखो क्या हुआ है इसका। ऐसे आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा खेत है उसका भी ओवरव्यू। चलो, ये हमारे स्पेदे हैं, इसमें लगाए हैं हमारी जो फसल है। और दूसरी तरफ हमने अभी बाजरा डाला है, आप देख सकते हैं। जी देखिए गाइस, यदि आपको हमारा जो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।